गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। अभी मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मम्मी पापा के लिए, मम्मी के लिए पार्ना का सब जो खाना होता है वो बनाऊँगी। तो अभी चल रहे हैं पहले किचन में, और किचन में चल के चावल दाल सब्जी पकौड़ी ये सारा कुछ बनेगा। तो चावल दाल पहले बैठा देते हैं, उसके बाद सब्जी और पकौड़ी जो भी होगा बनाएंगे हम लोग। तो बने रहिए आप लोग, पहले किचन में चलते हैं फिर दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आज हमने कुछ ऐसा साड़ी वेयर किया हुआ है। इयर रिंग हम पहन रहे थे बट पीछे लग ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमने छोड़ दिया, क्योंकि कान में दोनों चप गया मेरा कान उसके चक्कर में। अभी हमने छोटा बिंदी लगाया है। सभी आ गए हैं किचन में और देख सकते हैं किचन को रात में ही सफाई कर दिए थे, और उसके बाद से दूध भी थोड़ा सा ना था तो भी जल गया था। तब चलते हैं पहले चावल दाल बैठा लेते हैं जल्दी से। हे गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अभी चावल निकाल रहे हैं, नापना से ग्लास से ही नाप लिए थे, और दाल निकाल रहे हैं। तो चावल दाल अभी सोच रहे थे कि पहले ही चढ़ा दें। यहाँ पे निकाल लिए हैं दाल और यहाँ पे चावल दाल बैठा लेते हैं जल्दी से। जल्दी और यहाँ पे चावल दाल धुल के और हमने सोचा कि जल्दी से चढ़ा दे रहे हैं। इसे दाल सब चावल बना दिए हैं, रख दिए हैं इस पर, और यहाँ पे अभी चलते हैं इसमें से हल्दी नमक डालने। अभी पार्ना का खाना बनाने जा रहे हैं हम, जो कि आप लोग देख रहे हैं। गाइस अभी यहाँ पे बैठा दिए हैं चावल और दाल, और अब चलते हैं किचन में से अब बाहर, और अभी देखते हैं फ्रिज में जो सब्जी है उसको निकाल के लाते हैं, फिर सब्जी कट करेंगे और सब्जी बनाएंगे। दाल फ्राई भी करना है, सब्जी भी कट करना है, और खाना भी जल्दी से बनाना है क्योंकि परना करने का टाइम होता है, जीतिया का परना, और बहुत अच्छे से खाना बनाया जाता है तब जाके अच्छा लगता है। मम्मी उठ के अपना फ़ोन वोन चला रहे हैं, मम्मी लोग नहाएंगी, देखते मम्मी कब तक नहाएंगी, और उसके बाद से फिर पारना करेंगी। धनिया पत्ता भिंडी है वो भी है, आलू गोभी का है सोच रहे हैं बना के, थोड़ा पनीर है तो पनीर का कैसे बनेगा। यहाँ ला दी है सब्जी, इसमें है भिंडी गोभी, और गोभी रात में भी बनाया था मैंने, गोभी और भिंडी दोनों बनाएंगे। नहीं गाइस, यहाँ पे बर्तन बन रहे हैं, और एक तरफ यहाँ दिखा दो, यहाँ पर एक तरफ बर्तन धो रहा है और एक तरफ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूजा करिए, बंदे से कर दिए साफ, और मम्मी गाना बजा रही है बहुत पीछे। अभी चलते हैं मम्मी के पास। चावल तो गया, वो क्या कर रही है? ठीक है, तो 7 बजे वाला बा, जल्दी से बना वालो, बहुत तरह नहाए। जेरू तू प्रणाम कर रहे है, खुश रह, खुश रह, खुश रह, खुश रह, खुश रह, एकदम खुश रह। तू भैरव भैया हुआ, खुश रह, हाँ खुश रह, खुश रह, खुश रह, खुश रह। पापा जी खुश रहो, देखो जी कैसा कर रहा है, ये देखिए कैसे कर रहा है। खुश रहो, खुश रहो, जेरू आ जाता है, जेरू बाहर बच्चा हुआ, आज ना आज तक नहवाना जरूरी है इसको, बच्चा है, बच्चा कहूँ, बच्चा बनाओ। एक आलू गोभी गोभी आया है, पनीर आया है,
हमें आलू गोभी के बना दो, ठीक है, पकौड़ी थोड़ा सा बन जाएगा। हाँ तो बस जा रहे हैं, चावल छोड़ दो बाद में लंच के टाइम। ठीक है, सोच रहे थे मम्मी के लिए दो खल का सब्जी बनाएंगे, लेकिन मम्मी मना कर दी, मम्मी बोल रही है कि एक खल का ही बनेगा, बाकी रंग ना कभी बन गया। तो अब चलते हैं नाश्ता पूरा करने। मम्मी का सब्जी बनाना है बस, मम्मी बोले कि लंच में भिंडी बनाना है, तो हमने ठीक है अब तो ज़्यादा भी नहीं है, पकौड़ी का खाली वो करना है जल्दी से तैयारी। यहाँ पे तुंदरी है और भिंडी है, तो मम्मी बोलिए कि कोई सब्जी बनाओ, हमको लगा कि दोनों बनाते तो और अच्छा होता है, तो अब क्या करेंगे, मिर्चा अर्चा भूज देंगे। क्या अच्छा करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नवी नवी मसाले रेडी हो गई। अरे फ्री पिन की है, अच्छा ठीक है, तो बने रहिए आप लोग, थोड़ी देर में मिलते हैं सब्जी काटने से। तो अभी दाल चावल हो रहे हैं, तब तक आ रहे हैं पिन लगा के रवीना का, यहाँ वाला पिन तो हमसे ही मिल जाता है। चलिए जा रहे हैं सब्जी जल्दी से, और इसमें हम नींबू देख रहे हैं, तभी नींबू का तो मुझे काम भी है कि मिर्चा फ्राई करेंगे, तो यहाँ रख देते हैं। फिर दाल भी बस होने ही वाला है, चावल अभी होने में थोड़ा टाइम होगा, तो किस तरफ सब्जी बनाते हैं। यहाँ पे मिर्चा मिला दी है ताकि इसको अच्छे से फ्राई कर दें। तो गाइस अभी चल रहे हैं सब्जी काटने, प्याज भी ले लिए हैं और आलू को भी छील ले रहे हैं। सबसे पहले गोभी के लिए इसमें काट दिए, गोभी को करना है बॉयल, जल्दी से बन जाता है, बस उसमें रख दो जीरा हल्दी नमक डाल दो, आराम से बन जाता है। बन हो गया दाल, आज हमारे घर में सुबह सुबह बन रहा है चावल दाल, सब देखता हूँ अच्छा लगेगा। बाकी मम्मी भी पढ़ना करेगी, हम तो सोच रहे थे कि मस्त दो खल का सब्जी बनाएंगे, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं अब तुम बनाना है कि लंच में बनाना, हमारा ठीक है। तो देखिए जो भी होता है आप लोग से दिखाएंगे। बाकी दाल भी बैठा दी, दाल हो गया है, मेरे को चावल बस देखना है। तो बस हम तो यही था कि हमको सुबह सुबह उठ के पहले चावल दाल बैठा देना है, फिर अपना सब्जी बनाना है। नहीं दूध नहीं, बस। हे गाइस, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हम चावल बना रहे हैं, और बस चावल अब थोड़ी देर में हो जाएगा, तब तक हम एक तरफ गोभी को बॉयल करने के लिए रख देते हैं, और जैसे ही गोभी बॉयल होगा तब तक आलू कट कर लेंगे यहाँ पे, और आलू एक तरफ छोड़ देंगे, तो बहुत जल्दी बन जाने वाला है आज का लंच कह सकते हैं। और बस लंच में कुछ अलग थोड़ा बनाएंगे, बाकी चावल वगैरह तो बना लेते हैं, तब देखते हैं थोड़ी देर में हो जाता है ये भी। और एक तरफ गोभी को बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, तो चावल भी अब मार्च का निकालना है हमको, अब कट कर देते हैं। कल पहली बार मतलब ना गोभी में ऐसे लहसुन डाली थी, इतना टेस्टी लग रहा था हमको, तो लहसुन बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम सूखा सा हो गया था। तो ये देखिए बड़ा बड़ा ऐसा आलू हमको काटने में अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाता है, और बहुत ज़्यादा छोटा जो आलू होता है उसका भुजिया अच्छा लगता है खाने में। तो बस इसमें मम्मी बोली थी कि चावल दाल और पकौड़ी ही बनाना है, सब्जी बनाना है, तो अलना को भी हम उठा दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, हम ऑलरेडी हमको मम्मी मतलब मम्मी कॉल की थी तब तक हमारा एक ही बार में, क्योंकि उससे पहले से ही मेरा अलार्म बजता है, अगर हमको उठना रहेगा 3 बजे तो हम 2 बजे से ही अलार्म लगा देते हैं, ऐसा हो जाता है, तो मेरा तो ऐसे ही पूरा नींद बर्बाद हो जाता है। और
कितना मेरे को हंसी आता है कि हम उठ उठ के अपना अलार्म बंद कर देते हैं। तो बस बने रहिए आप लोग, और अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी अब देखते हैं, हम लोग को भी अब अम्बाला के लिए निकलना है, तो अभी उसके लिए भी पैकिंग करना है, जो कि अभी तक किए नहीं है। इतना कन्फ्यूज है ना कि क्या बताएं। अभी यहाँ पे सामान भी ऑर्डर कर दिए हैं, इतना सुंदर सुंदर नवरात्र आ रहा है, और उसके बाद से करवा चौथ आ रहा है, इसके लिए बहुत सुंदर सुंदर सामान भी ऑर्डर कर दिए। लेकिन वहाँ बहुत जाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट काम है, फिर हम लोग वो काम करके रिटर्न वापस आ जाएंगे, क्योंकि नवरात्र चल रहा है ना, तो फिर दिक्कत ना हो। माय गॉड, इस चाकू से ना, इस छिलने से मेरा कई बार हाथ कट जाता है। तो बने रहिए आप लोग। मम्मी भी नहाने गई हैं, वो भी आएंगे तब खाना पीना अपना, तब तक हो ही जाएगा। तो अभी मम्मी पूजा पाठ करेंगे, रेडी वेडी होंगे तब तक टाइम हो ही जाएगा। सकते हैं गोभी भी गए बॉयल, और भी ग्रीन हो गया, यहाँ पे चावल बन गया। मेरी मम्मी कॉल की थी तो बोल रही थी कि क्या हो रहा है, पारना हो गया। फिर हम बोले नहीं, तो मम्मी बोली 8 बजे के बाद पारना है, क्योंकि पंडित जी बताए थे 8 बजे के बाद ये लोग पारना करेंगे। वैसे भी 7 बज गया है, और 8 बजे तक तो हमको लग रहा खाना बन जाएगा, और 8 बजे के बाद कर भी लेंगे टाइमिंग से, तो सही है। मैदा है, मम्मी बोली कि नहा धो के तुम लोग खाना पीना बनाना। बोले हाँ, तो ऐसे थोड़ी बनाएंगे। अब चावल वाल बना दिए, अब चलते हैं सब्जी बनाने। हे गाइस, तो यहाँ आप देख रहे हैं सब्जी को कट कर दिया है, और यहाँ ये भी हो गया। इतना ज़्यादा वो लग रहा था ना आँख में, तो अब चलते हैं सब्जी जल्दी से छोंकते हैं, अपना काम फिनिश करते हैं, क्योंकि अब मिस्टर राज और पापा वो लोग जाएंगे स्कूल, और मम्मी अब वो रेडी हो रही हैं। अभी यहाँ पे जब डालते हैं तेल, और हमको लग रहा है तेल इसमें ना भरना पड़ेगा, तब सब्जी को छोंक लेते हैं। बाकी अब यहाँ पे प्याज कटने जा रहा है, थोड़ा सा गोल गोल ऐसे दिख रहा है, और यहाँ अब देखते हैं दाल तो जला नहीं हो। प्याज कट होगा और उसके बाद से पकौड़ी बनेगा, और यहाँ पे हम बना दिए हैं दाल, लेकिन दाल बना दिए हैं, लेकिन अब देखना है कि दाल हुआ भी है कि नहीं हुआ है। देख सकते हैं दाल पूरा गल गया है, और इसको एक बार मह देंगे तो अच्छे से वो हो जाएगा। दाल को भी हमको करना है फ्राई। तो फाइनली चावल दाल सब्जी हमने यहाँ पे बना दिया है, बाल देख सकते हैं। पकौड़ी बनाना है, तो पकौड़ी भी बन जाएगा, उसके बाद फिर मम्मी अपना पढ़ना करेंगी। उनको भी यही बोलना है कि यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे वो बन रहा है, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये हम बना रहे हैं। आप लोग को बता देना, इसमें गलती मतलब जो लोग देखते हैं वीडियोस उनकी नहीं है, क्योंकि अगर मानते हैं कि अगर कोई और काम कर रहा है, तो हम हमारे अंदर ये है ना कि अगर कोई और काम करता है हम उसको दिखा देते हैं, या फिर वो कुछ बनाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये चीज़ उसने बनाया है। लेकिन बाकी हम अब देख रहे हैं ब्लॉग में कि चावल दाल हमने बनाया है, और सब्जी हम बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो में ऐसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे चावल बन गया है, दाल बन गया है, सब्जी बन रहा है। तो इससे लोगों को लगता है कि मतलब आगे वाला सामने वाला बंदा कुछ काम ही नहीं किया है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। बट हम हर चीज़ का वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी चलते हैं। दाल यहाँ पर हो गया, दाल को बना के और इसको फ्राई करने के लिए निकाल दिया। खाली हरा भरा नहीं लिखे नहीं लगे दोस्तों। यहाँ पे ना अब मैं काटने जा रही थी दाल फ्राई के लिए, एंड सबसे पहले ना दाल को यहाँ पे महना था, ताकि दाल एकदम अच्छे से हो जाए, दाल उसमें दिखे नहीं कि हाँ ये दाल एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमने इसको धूल के साथ का साथ रख दिया, फिर से दाल को खाली कर दिया हमने, ताकि बड़ा बर्तन ना मतलब ऐसे इसमें दाल ना रहे, खाली करके हमने रख दिया। और उसके बाद से हमको लगा कि चलो अब प्याज मिर्च टमाटर लेके और इसको अच्छे से फ्राई कर देते हैं। हे गाइस, तो अब चलते हैं सब्जी बनाने, और सबसे पहले डाल देते हैं तेल, क्योंकि इस बोतल में तेल भी ख़त्म हो गया, तो अभी तेल भरा गया है, और वो भी देखते हैं, तो तेल भी बहुत लगता है आँख में।
और थोड़ा अच्छा सब्जी बनाएंगे क्योंकि मम्मी का आज पालना है। और इसमें डालेंगे इस्पात, जैसे कल रात में बनाए थे, रात में हमने ना ऐसे इस्पात वगैरह जिनमें हम डालते हैं लेकिन डाले हुए थे ताकि थोड़ा सा टेस्टी सब्जी हो। इस्पात को रख देंगे हैं और थोड़ा सा सूखा मिर्च भी डाल देंगे क्योंकि इससे क्या होता है ना बहुत टेस्टी लगता है। अब यहाँ रख लेते हैं फोरन के लिए, अब इसको बंद कर देते हैं। अभी उनको मिर्चा भी तवा पे भूजना है। आज मेरे को बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम। मेरा हाथ कट गया है ना तो और भी ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब लहरना होता है ना वैसे लहर रहा है। अभी सूखा मिर्चा है इसको भी डाल देते हैं, थोड़ा स्पाइसी बनाने का कोशिश करेंगे क्योंकि भूखने पे ना वैसे ही मन फीका सा हो जाता है। इस बात को धोएंगे, इसमें ना हम थोड़ा लहसुन भी डालेंगे क्योंकि लहसुन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसमें खास करके और टेस्टी लगना क्योंकि बहुत अच्छे से ना लहसुन फ्राई हो जाता है इसमें। तो आप लोग को दिखाते हैं, वैसे आप लोगों ने तो सब्जी देख लिया है रात में मिर्चा के दुनिया से एक तरफ, अभी और भी बना रहे हैं वहाँ पे। तो फोरन में हम लहसुन भी दे देते हैं, इससे क्या होता है ना थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। बाकी यहाँ आलू कर दिए, एक साइज की प्याज कर दी है, थोड़ी जैसे ही जल जाएगा देख लेंगे, उसके बाद फिर उसमें डाल देंगे प्याज और प्याज के बाद आलू डाल देंगे। और गोभी पूरी भी आप लोग को दिखाएंगे, बहुत अच्छा दिखता है। तो बने रहिए आप लोग, और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है तो बाहर भी चले तो दिखाते हैं। यहाँ दाल फ्राई के लिए तो अभी नहीं काटे हैं लेकिन इसको ना फ्राई करके खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें डाल दे रहे हैं आप आलू। ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा, कितना टेस्टी दिख रहा है। अच्छा तो हम करेंगे फ्राई, यहाँ पे नींबू रखे हुए हैं तो नींबू डाल के इसको करेंगे फ्राई। बाकी अब इसको लेते हैं आलू जैसे फ्राई हो जाएगा और उसके बाद से ये गोभी को इसे हम फ्राई करेंगे साथ के साथ, और ये वाला भी बना दे रहे हैं। तो देख रहे हैं आप लोग थोड़ा इस तरीके से, क्योंकि आलू थोड़ा फ्राई होगा उसके बाद डाल सकते हैं। अभी इसको धोल देते हैं गर्म पानी में, ऐसे ही धोल दे रहे हैं प्याज। बाकी यहाँ पे प्याज कट गया है देख रहे हैं आप लोग, बस चावल दाल बना दिए हैं और सब्जी यहाँ पे बना रहे हैं। बाकी उसके बाद मिर्चा फ्राई करेंगे और उसके बाद दाल को फ्राई करेंगे, तभी खाना वैसे बन के हो जाएगा पूरा कंप्लीट। उसके बाद मम्मी देखते हैं रेडी हो गए हैं कि नहीं, उनके पास चलते हैं थोड़ी देर में। इसमें डाल देंगे पहले गोभी, उसके बाद आलू हो गया है थोड़ा सा फ्राई, अब हम कहते हैं गोभी को भी डाल के फ्राई करें। इस तरह गर्म करने में लगेगा कभी ना गोभी और उसको डाल के ना हमने कर लिया फ्राई, लेकिन उसके साथ थोड़े नमक भी डाल देंगे तो वो भी फ्राई होते रहेंगे। तो यहाँ पर है हल्दी और यहाँ पर ये भी बना के
राइस को भी यहाँ दाल फ्राई के लिए काट रहे हैं, मिर्चा प्याज, और उसके बाद फिर मिर्चा फ्राई करेंगे। ऐसे खाने के लिए अच्छा लगता है कि सब भी रहे। यहाँ पे अभी कुछ देर तक फ्राई करेंगे, किनारे से डालेंगे टमाटर और मसाला दे दिए, जिसे दे दिए इतना टेस्टी भी करें। चलते हैं पहले उधर से लाते हैं। हे गाइस, तो ये व्लॉग ना बहुत ही बड़ा हो रहा था, इसलिए हम इस व्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट जिसमें मम्मी जी रितिया का पार्टनर कैसे की है वो आपको सचिन मनीषा हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, और आप लोग वहां से जाके ज़रूर देखिएगा, और बहुत ही अच्छा लगेगा सब कुछ। दादी भी थी और बहुत अच्छे से हुआ। बाय बाय।